अमरनाथ जी की यात्रा की जम्मू में हुई शुरुआत। कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर भेजे गए 4603 शिव भक्त शनिवार को बालटाल पहलगाम से यात्रा पर होंगे रवाना। उधमपुर और रामबन में हुआ श्रद्धालुओं का स्वागत। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा के खास बंदोबस्त। वहीं 9 एसपीओ को साहस का मिला फल। जम्मू कश्मीर पुलिस में बनाए गए कांस्टेबल हीरानगर मुठभेड़ ने सभी ने दिखाई थी जाबाजी। डीजीपी आरआर स्वैन ने थपथपाई सभी की पीठ। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा की आज जम्मू से धार्मिक हर्षोल्लास के साथ शुरुआत हुई, जहां पर कि जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर में शिव भक्त बाबा बर्फानी के दर्शनों की कामना लेकर कश्मीर के लिए रवाना हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी शुभकामनाओं के साथ श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को सैकड़ों वाहनों में कश्मीर के लिए रवाना किया, जिसमें कि 4603 शिव भक्त शामिल थे। ये श्रद्धालु आज तड़के पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद यात्रा पर भेजे गए और इस दौरान आधार शिविर पूरे तरीके से भोले के रंग में रंग गया। कश्मीर के लिए रवाना हुए श्रद्धालु शनिवार को पारंपरिक बालटाल और साथ ही साथ पहलगाम रूट से पवित्र गुफा की ओर बढ़ेंगे और बालटाल रूट से जाने वाला जत्था शनिवार को ही पवित्र हिमलिंग के दर्शन कर लौट आएगा। वहीं पर पर्यटन विभाग के शेड्यूल के मुताबिक उधमपुर और रामबन सहित अन्य स्थानों पर श्रद्धालुओं के पहले जत्थे का जोरदार स्वागत किया गया और इस जत्थे की रवानगी के दौरान यात्रा रूट पर आम वाहनों की आवाजाही बंद रही। जहां पर आपको बता दें कि आज सुबह जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर से ही पहला जत्था जो है वो रवाना किया गया, जिसे उपराज्यपाल ने हरी झंडी दिखाई। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बेहतरीन इंतजाम किए हैं सुरक्षा बल। यात्रियों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से चौकस है। जम्मू कश्मीर के आवाम का भी इस पूरी यात्रा में बहुत सहयोग रहता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश भर से जो श्रद्धालु आए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन भी करेंगे और सकुशल वापस जाएंगे। और हमें भोले शंकर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये यात्रा सबकी सफल हो और जितने भी यात्री यहाँ आए हैं भोले शंकर के दर्शन करके जम्मू कश्मीर के प्यार, मेहमान नवाजी, खलूस और मोहब्बत का पैगाम लेकर पूरे भारतवर्ष में जाएं और जम्मू कश्मीर और भारत के जितने भी नागरिक हैं इस अमरनाथ यात्रा के जरिए हर साल की तरह भोले शंकर के चरणों में एक बार फिर जुड़ जाएं। व्यवस्था देखने लायक है, काबिले तारीफ है। व्यवस्थाओं में कोई किसी बात की कोई कमी नहीं है। मेरी ये चौथी यात्रा है। हाँ जी, जीवन का अनुभव कैसा रहता है? अनुभव यहाँ आने के बाद में सारे अनुभव फैल हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं मिलती हैं, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ की व्यवस्थाएं सब देखने लायक होती है। जो कुछ बरगलाने के लिए कहा जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। हर आदमी को यहाँ आना चाहिए दर्शन करने के लिए। जीवन में एक बार नहीं तो 10 बार तो जरूर ही आना चाहिए। एक बार से पेट नहीं भरता। 25वीं यात्रा है और जो 3 सालों में यात्रा का सिस्टम बदला है उससे यात्रा का लोगों में जो टीम बढ़ रही है। ये 2005 में जब माहौल ख़राब हुए थे हमारी गाड़ियाँ हर साल टूट के जा रही थी, सिर्फ 3 साल से साबित जा रही हैं। ये 2005 का निशान है। हमने अपनी जान झाड़ियों में छुप कर बचाई थी। ये 25वीं यात्रा मेरी है। अनुभव कैसा रहा? हर साल बढ़ रहा है, एक हर साल डबल हो रहा है। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सब हुमा के यहाँ पे पहुंचे, कोई डरने। तो जिस तरीके से आपने सुना कि श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं पर आज सुबह तड़के सुबह 6 बजे भगवती नगर आधार शिविर से जो पहला जत्था है वो रवाना किया गया, जिसमें कि लगभग 4603 लोग यहां पर शामिल थे। अब कल यहां पर पारंपरिक तौर से बालटाल और पहलगाम की तरफ से जो यात्रा है वो यहां पर शुरू होगी और इस सब पर जानकारी देने के लिए अनिल शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बताइएगा किस तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर सभी श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं?
देखिए व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो शिपवन पूरी तरह से संपन्न जो है उन्हें पहले ही कर लिया गया था। हालांकि उससे पहले आपने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की महासरबरा की बात करते हैं तो वो भी उन्होंने निरीक्षण किया था, और इसी के साथ साथ जिला प्रशासन की बात करते हैं जिसमें डिविजनल कमिश्नर रामेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार और जीएमसी कमिश्नर राहुल यादव ने पूरी तरह से स्थितियों का जायजा लिया। और कल देर शाम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया और आज सुबह सवेरे लगभग 5:15 के करीब जो है इस पहले जत्थे को रवाना किया गया है और पारंपरिक विधिवत पूजा अर्चना के बाद वर्ष 2024 की बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा को रवाना किया गया, जिसमें तब लगभग जो 4,000 से अधिक जो श्रद्धालु थे उनमें काफी ज्यादा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा था और लगातार चाहे उसमें बुजुर्ग लोग थे, बच्चे थे। ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अनिल शर्मा यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से जो अमरनाथ जी यात्रा है उसका पहला जत्था आज सुबह 6 बजे रवाना किया गया और दूसरे जत्थे की रवानगी की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है और तमाम व्यवस्थाएं भगवती नगर आधार शिविर में सभी श्रद्धालुओं के लिए रखी गई है। वहीं पर श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जम्मू से रवाना हुए अमरनाथ जी यात्रियों के पहले जत्थे का उधमपुर और उसके साथ ही रामबन में जिला पुलिस प्रशासन द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए दोनों जिलों के DC और पुलिस महकमे के आला अधिकारी मौजूद थे। यात्रा के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और सुरक्षा बल ड्रोन से भी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। प्रारंभ हुआ है और आज उधमपुर जिले से सभी यात्रियों को फ्लैग ऑफ किया गया है और उन्हीं की उनकी व्यवस्था के लिए सभी अरेंजमेंट्स कराए गए हैं और आज काली माता मंदिर टिकरी में उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया। बच्चों की तरफ से भी कल्चरल प्रोग्राम किया गया और सभी यात्रियों को यहाँ से खुशी खुशी भेजा गया। जो हमारी सांझी यात्रा जो 2024 की है वो आज शुरू हो गई है, जिसमें पहला जत्था जो है वो ऑनरेबल LG साहब ने जम्मू से जिसको फ्लैग ऑफ किया, अभी वो रामबन पहुँच गया है। तो यहाँ पे जो है पूरे इंतज़ाम किए गए हैं जिसमें खाने का है, पीने का है, हेल्थ को लेके अगर कोई इशू है, बाकी जो गाड़ियों को अगर कोई लेके इशू है तो वो सारी चीज़ों के बारे में हमने किया है। ओवरऑल सिक्योरिटी के बारे में तो आप देख ही रहे हैं कि SSP साहब ने जो है वो इतना बढ़िया से उसमें मेहनत करके काफ़ी जगहों पे बहुत बड़े दिनों से एक्सरसाइज ये जो चल रही है पिछले 6 महीने से लगभग, तो इसको किस तरीके से हमारी कोशिश यही है, मंशा यही है कि हम जो है वो यात्री यहाँ पे जो आए हैं हम उनका वेलकम करते हैं और हमारी प्रार्थना भी है कि वो जो है वो भोलेनाथ जी के जो है वो दर्शन करें और बहुत सेफ तरीके से करें और जैसे जैसे वो यहाँ से जा रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएँ भी जो है वो उनके साथ हैं। तो चलिए कठुआ जिले के हवाले से बात करेंगे जहां के सैदा सोहेल इलाके में पिछले दिनों आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में साहस का परिचय देने वाले 9 SPOs को पुलिस महकमे ने बड़ी सौगात दी है। इन 9 SPOs को जम्मू कश्मीर पुलिस में अब कांस्टेबल बनाया गया है, जहां पर कि DGP RR स्वयं ने ADGP आनंद जैन और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में कठुआ में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन 9 SPOs को कांस्टेबल के रैंक से नवाजा और इनके साहस की जमकर सराहना भी की। वेलकम करता हूं। को एक अलग तौर पे, एक अलग तरीके से, एक फर्स्ट फॉरवर्ड मोड पे इनकी हौसला अफजाई हो, इसलिए इसको जो हमारी प्रोसीजर है उससे हटकर हमने इसको फास्ट ट्रैक में डालकर इनको हमने समझा कि इनको रेगुलर किया जाए जल्द से जल्द। तो जिस तरीके से हमने सुना कि यहाँ पर DGP RR स्वयं द्वारा यहाँ पर इन 9 SPOs की सराहना की जा रही है और उन्हें अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस में एक कांस्टेबल का जो पद है वो यहाँ पर मिल चुका है और इन 9 के 9 जो SPOs हैं इनकी सराहना यहाँ पर की जा रही है। इनके ब्रेवरी और इनके साहस की यहाँ पर सराहना लगातार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इनका साहस तब यहाँ पर निकलकर सामने आया जब हीरानगर, कठुआ के हीरानगर में यहाँ पर एक आतंकी हमला पेश आया जिसमें कि इन 9 SPOs ने साहस के साथ काम किया और लोगों की जान बचाने की इनके द्वारा यहाँ पर मदद की गई।
तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। डोडा के हवाले से बात करेंगे, जहां पर जिला डोडा के ठाठसी इलाके में बीती देर रात बादल फटने से सनसनी फैल गई। इस प्राकृतिक आपदा में लोगों के दर्जनों आशियानों को बेहद नुकसान पहुंचा, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें कोई तरीके का जानी नुकसान नहीं हुआ। मौजूदा समय में क्या हालात हैं, इस पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि यहाँ पर मानसून जो है वो दस्तक दे चुका है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। जहां पर तस्वीरें आपके सामने साझा करने का प्रयास करें, जहां पर डोडा से तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं, जहां पर कि ठाठरी इलाके में कल देर रात बादल फटने से यहां पर सनसनी फैल गई। लोगों में काफ़ी ज़्यादा दहशत का माहौल है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मानसून के स्टार्ट होते ही इस तरीके की कुछ आपदाएं जो है वो यहाँ पर पेश आती हैं, कुछ नेचुरल कैलमिटीज़ जिन पर कि रोक नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यहाँ पर प्रशासन द्वारा तमाम इंतज़ाम देखने को मिलने चाहिए। क्योंकि अगर बात करें हम डोडा के इलाके की, तो दूरदराज का इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर कि इस तरीके की घटनाएं जो है वो पहले भी पेश आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन जो है वो काम कर रहा है, उनके द्वारा यहाँ पर तमाम मैन पावर और साथ ही साथ मशीनरी डिप्लॉय की गई है। वहाँ पर तमाम लोग जो है वो पहुँच चुके हैं, काम किया जा रहा है कि किस तरीके से मलबा हटाया जाए। लोगों के घरों के अंदर भी यहाँ पर पानी पहुँच चुका है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही है। पानी जो है वो हर जगह जमा हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। स्कूल्स की बात करें वो भी यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं, और वहीं पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए वसीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से। वसीम बताएगा क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके का नुकसान यहाँ पर डोडा में झेलना पड़ा लोगों को। बिल्कुल सिपन, आपको बताना चाहेंगे रात के लगभग 1:30 बजे 2:30 बजे के करीब जो है इस इलाके के अंदर बादल फटा है। ठाठी डोडा हेडक्वार्टर से काफी दूर दराज का इलाका है, वहां किसी जंगल में जब बादल फटा तो शहर की तरफ आता है, पुलिस स्टेशन के नजदीक ये पूरा बादल जो है, बादल का पानी जो है लोगों के घरों में घुसता है, साथ में ईदगाह है वहां पे भी ये पानी घुसता है, और जितना भी मलबा वो लोगों के घरों में देखा गया, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो है इसकी लपेट में आए हैं। नुकसान तो बहुत कम देखने को मिला है, कुछ घरों के अंदर दरारें देखने को मिली, और साथ साथ में लगभग 2 से 3 गाड़ियां आप देख सकते हैं किस तरह से मलबे के ढेर में फंसे हुए हैं। बताया जाता है जराए के हवाले से ये एक बाइक भी जो है पानी के साथ बह गई है, और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की टीम वहां पे पहुंची कल देर रात से, एसडीएम या बाकी सारे तहसीलदार जो है, पुलिस के लोग जो है वो वहां पे सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, और अब जो है असेसमेंट की जा रही है किस घर में कितना ज्यादा नुकसान है। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कुछ टाइम पहले भी, कुछ बरस पहले इस इलाके के अंदर इसी तरह से बादल जब फटा था तो मकामी लोगों ने एलिगेशन लगाए थे कि इस इलाके के अंदर प्रॉपर तरीके से जो है पानी का निकास नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो डिफंग हो रहा है। तब से अभी तक वो लोग तरस रहे हैं कि जो निकास है पानी का, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं। अभी भी आप देख सकते हैं कि अगर ये बादल फटता तो जरूर जो अगर ड्रेनेज सिस्टम होता सही तो ये लोगों की तरफ ये पानी नहीं आता है। बिल्कुल वसीम, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी जिस तरीके से अभी मानसून यहाँ पर आ चुका है, और जिस तरीके से आपने भी बताया कि डोडा में इस तरीके की घटनाएं पहले भी पेश आ चुकी है, तो अगर 2024 के मानसून की बात करें तो किस तरीके से प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियां की गई है, क्योंकि ये नेचुरल कैलमिटीज है, इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन तमाम तैयारी यहाँ पर प्रशासन द्वारा लोगों के हित में की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए प्रशासन तो हर वक्त अलर्ट होता है इन चीजों के लिए, खास करके इस इलाके की मैं बात करूं तो यहाँ पर इस तरह के बादल अक्सर हम देखते हैं जब भी बारिश वगैरह होती है, खास करके इस मौसम में बादल जरूर फटते हैं, उसके लिए पूरी तैयारियां रखी जाती हैं। मगर अगर हम ठाठरी को लेकर बात करें तो ठाठरी के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं है, ये वही इलाका है शिपन जहां पे कुछ बरस पहले जो है काफी सारे मकानों के अंदर दरारें देखने को मिली थी, और उसी इलाके की तस्वीरें ये भी है। अब लोग काफी ज्यादा सफर भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। जो हमारी अभी कुछ लोगों से वहां पे बात हुई, उनमें उनका ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह तवज्जो देनी चाहिए, और खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको नुकसान वहां पे हुआ है उनके लिए कोई बीच का रास्ता, और खास करके उनको जो है कोई स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। तो देखना होगा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से असेसमेंट कर रही है, उस पूरे मामले को देख रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से नेशनल हाईवे जो 244 है ये भी कुछ देर तक बंद रहा, और जो रात के 2:30 बजे करीब जब ये हादसा वहां पे पेश आया तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और मकामी लोग काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि बारिश का सिलसिला भी एक तरफ से जारी था जहां पे दूसरी तरफ से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। अब देखना होगा कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों को राहत की सांस देती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम गत्तू, यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि डोडा के एक इलाके में
कल देर रात को एक घटना पेश आती है जिसमें कि बादल फट जाता है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और तस्वीरें आपके सामने हैं। ड्रेनेज सिस्टम पर आरोप लगाए जा रहे हैं और प्रशासन की पोल खुल चुकी है क्योंकि इस पूरे इलाके में ड्रेनेज सिस्टम काफी वीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो वहाँ के रिहायशी लोग हैं और रिहायशी इलाकों में भी और घरों के अंदर भी पानी घुसता नजर आ रहा है। जम्मू के सरस्वती धाम में आज तीसरे दिन भी तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए टोकन जारी किए जा रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रियों में उत्साह इतना है कि टोकन लेने के लिए जम्मू के सरस्वती धाम में सुबह 4 बजे से ही कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं। सुरक्षा में किसी तरीके की कोई चूक ना हो, इसके लिए भी सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। वहीं पर टोकन हासिल करने वाले श्रद्धालुओं का जम्मू में बने पंजीकरण केंद्रों पर पंजीकरण किया जा रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सालों से हमारी मनोकामना थी कि बाबा अमरनाथ के जाएं और चार धाम भी जाएं, क्योंकि जब तक पैर साथ दे रहे हैं, शरीर साथ दे रहा है, तब तक ही हम जा सकते हैं। आगे का कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कि हमारे पैर इस स्थिति में ना हो या शरीर साथ ना दे, तो जब तक हम जवान हैं, चल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, तो पहले दर्शन कर लें, उसके बाद फिर क्या हो क्या नहीं हो कुछ नहीं पता है। रश बहुत है, लोगों में जोश ही बहुत है, सब बाबा के दर्शन को आतुर हैं और कितनी भी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन उसके बाद में लोगों के जोश के आगे वो सारी समस्याएं व्यर्थ हैं। लोग अपनी सारी समस्याओं को एक तरफ रखते हुए और पूरे जोश के साथ लाइन में लग रहे हैं, टोकन ले रहे हैं और जो व्यवस्था है वो भी करने वाले, प्रशासन भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहा है और लोग भी उनके साथ सहयोग कर रहे हैं और प्रशासन भी बहुत कोऑपरेटिव नेचर का है, बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे तो बहुत बार आए हुए हैं जम्मू, लेकिन अमरनाथ के लिए पहले आए। जो टोकन वगैरह हम लोगों ने आज लिया हुआ है, तो अब टोकन मिल गया, कल हमारा मेडिकल होगा, जो हमारे को डेट दी जाएगी उस डेट पे हम लोग बालटाल से चढ़ाई करेंगे। बालटाल से कब से मन में प्लान था? बहुत दिन से था। वैष्णो देवी तो बहुत बार कर चुके थे, हमने कहा करेंगे करेंगे, फिर हमने कहा चलो आ गया समय, जब तक बुलावा नहीं आता जब तक नहीं जाया जाता, इसलिए जब आज बुलावा आ गया तो दर्शन भी कर लेंगे भोलेनाथ के। हम लास्ट नाइट आए थे और क्या कहना, हमारा जो जत्था है बहुत ही उनके अंदर उत्साह है, बहुत ही जोश है और यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है, पुलिस भी अच्छी है और आर्मी का जो उनका मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। पहले कभी आए हैं? नहीं, हम फर्स्ट टाइम आए हैं और हमें बहुत देख के बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों में उत्साह है। बाबा बर्फानी के हम दर्शन करेंगे और बेरोक टोक करेंगे, बाबा ने चाहा तो हम आज ही निकल जाएंगे। जहां पर की जम्मू के वैष्णवी धाम में स्थित जहां पर की तत्काल पंजीकरण यहां पर करवाया जा रहा है, उसी को लेकर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह है। वहीं पर जम्मू के राम मंदिर में अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले साधु संतों का जमावड़ा लगा शुरू हो गया है, जहां पर की प्रशासन द्वारा कल से राम मंदिर में साधु संतों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। राम मंदिर पहुंचने वाले साधु संतों में अमरनाथ यात्रा को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है। संगम समाज अमरनाथ यात्रा हर साल से आते रहते हैं, बड़ा आनंद आता है और राम मंदिर में हमारे आते ही बड़ी कोई रोक टोक से पंजीकरण मन जाते हैं, बड़े प्यार से गुणगान करते हैं, शिव जी महाराज के दर्शन पाते हर साल हम यात्रा जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। बंगाल से आया है, विगत 4 वर्ष से आ रहा है, खूब शांति में जा रहा हो, हम कश्मीर में शांति बहाल रखने की हम मांग रहा है। यह भाईचारा में मदद कर रहा हो हमको, सबको एक साथ जाना होगा। हमें राम मंदिर से पर्ची भर रहा है, राम मंदिर से पर्ची भर रहा है, पर खूब ज़्यादा यह व्यवस्था ज़्यादा है, अच्छा है। हेलो 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 माइटर सिंह हेलो। वहीं दूसरी तरफ बिजली के बिलों को लेकर मीरा साहिब में स्थानीय लोगों ने जेपीडीसीएल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जेपीडीसीएल पर मनमर्जी के बिजली के बिल भेजने का आरोप लगाया। लोगों का आरोप था कि जिस तरीके से जेपीडीसीएल मनमर्जी के बिल लोगों को जारी कर रही है, उससे वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जम्मू कश्मीर के अंदर और खास करके आज का प्रोटेस्ट मीना साहब के इलाके का जो प्रोटेस्ट है, इसका एक खास मकसद है कि मीना साहब के AEE वो हमारे तो कश्मीरी भाई हैं, उसने लूट मचा रखी है जहां पर मीना साहब के इलाके में, और उसने अपनी मन मर्जी से लोगों के साथ साथ 7,000, 8,000, 8,000, 10,000 बिल और बिल जो लोगों को दे रही है फ्लैट रेट पे, कोई मीटर पे बिल नहीं दिए जा रहे, और मीटर पे बिल दिए जाते तो बिल कम से कम कम आते, लेकिन इन्होंने फ्लैट रेट ला के अपनी मर्जी से वो सरकार का गवर्नर का जवाई बना हुए है, लूट रहे हैं हमको, लूट करके उसके खजाने भर रहे हैं सरकार के, वो शर्म नहीं आती है उस AEE को, हमको लूट करके गरीब जनता को। एक मेरी माँ परसों AEE के दफ्तर में गई, उसने कहा 2,000 मेरे पास सारा है और 1,600 रुपया उस बेचारी का मिलता बिल आ गया। तो चलिए जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।